इमरजेंट कस्टमर सेगमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स नई टेक्नोलॉजी को लेके जो नई उसकी एप्लीकेशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं उससे कौन से कस्टमर सेगमेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे किसको हम चूज़ करना चाहते हैं और उनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको मद्नज़र रखना आइडेंटिफाइंग ए कस्टमर सेगमेंट इज़ की फॉर द एंटरप्रनोरल मार्केटर ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी एंड इसके बिकॉज इसमें मामला कुछ ऐसा है कि जैसे एक normally हम पहले segment ढूँढते हैं आ, कि हमने किस segment में काम करना है फिर उसके मुताबिक product develop करते हैं यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के लिए हम टेक्नोलॉजी को लेके उससे सूटेबल जो सेगमेंट है उसकी तलाश करते हैं जिसमें उससे उस उस टेक्नोलॉजी से कोई यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो डेवलप की जाए और वो सेगमेंट उसको ख़रीदने के लिए तैयार हो तो वन मार्केटिंग ए न्यू प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंटरप्रेन्योर्स आर मोस्ट लाइकली लुकिंग फॉर ए लेस प्राम और इवन इमरजिंग सेगमेंट इंस्टेड ऑफ डोमिनेंट कस्टमर सेगमेंट के कोई हमें बहुत बड़ा सेगमेंट की तलाश नहीं होती क्योंकि एक नई प्रोडक्ट एक है एक नई टेक्नोलॉजी एक नया आइडिया है तो ज़ाहिर है उसके लिए एक बना बनाया सेगमेंट तो नहीं मिलेगा जो बना बनाया सेगमेंट है वो तो ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है जो किसी प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और उस पर हैप्पी है और सेटिस्फाइड है लेकिन आ, कोई ऐसा सेगमेंट भी हो सकता है जिसकी कोई लेटेंट डिज़ायर्स uh, हो कोई छुपी हुई ख्वाहिश और रिक्वायरमेंट्स हो जिसके मुताबिक उसको चीज़ नहीं मिल रही लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है और वो चाह रहा है कि ऐसी चीज़ मिल जाए तो फिर कोई जो uh, आती है नई प्रोडक्ट उसको ट्राई करने की कोशिश करता है कि वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो छोटा बेशक एक स्मॉल uh, हो बेशक वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट सेगमेंट ना हो और बेशक वो एक डेवलपिंग सेगमेंट हो वो एंटरप्रेन्योर uh, के लिए काबिल कबूल है द प्रॉब्लम इज व्हेन कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी द न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज परफॉर्मेंस माइट बी टू लो इन द आईज ऑफ डोमिनट कस्टमर्स आपने कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो लेकिन uh, उस टेक्नोलॉजी की जो परफॉर्मेंस uh, है वो uh, इतनी नहीं है कि जिसको uh, जो कस्टमर है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में उसको अप्रीशिएट कर सकें या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुताबिक हो या एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हो बिकॉज जो भी नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोडक्ट आती है उसकी कुछ अपने मसाइल होते हैं देखें ना एक गाड़ी भी जो कंपनी एक नई लॉन्च करती है पुरानी बेशक जितनी मर्जी इस्टेबलिश कंपनी हो पहली लॉट में सम टाइम देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स इसी तरह जो भी आप प्रोटोटाइप लेकर आते हैं जो भी प्रोडक्ट की नई लॉट लेकर आते हैं किसी टेक्नोलॉजी बेस पे उसमें कई इश्यूज़, कई मसाइल निकल सकते हैं कई लिमिटेशंस हो सकती हैं जो कि कन्विंस नहीं करती ज़्यादातर लोगों को कि वो इस टेक्नोलॉजी की तरफ आएं द सेलर्स डोमिनेंट कस्टमर इफ़ रिजेक्टेड न्यू टेक्नोलॉजी एंड दैट विदाउट सेल्स दो कस्टमर्स द फर्म्स वुड हैप्ट अगर आपने प्रोडक्ट ले आए और किसी ऐसे सेगमेंट को बेचने की कोशिश की जिसने उसको ना ट्राई किया ना ही वो प्रोडक्ट आपने जो लॉन्च किया है वो बिक सकी तो फिर नाकामी है और नाकामी का नतीजा बैंक्रप सी है दर्स द लार्ज सेलर्स डिड नाट बिलीव इन द वैल्यू ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिड नाट लॉन्च एप्लीकेशंस इसलिए जो है बड़े जो सेलर्स होते हैं उस टेक्नोलॉजी पर यकीन नहीं करते और उससे मुतल नई प्रोडक्ट्स नहीं, नहीं लेकर आते क्योंकि जिनको आपने बेचनी है और उन्होंने आगे रीसील करनी है वो इसे सेटिसफाइड नहीं है या आपको जो बड़े अपने जो कस्टमर्स हैं या बड़ा जो सेगमेंट है वो उसको ट्राई uh, नहीं करता या इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो uh, आप उससे मायूस हो जाते हैं और फिर आप वो टेक्नोलॉजी या उसकी मज़ीद एप्लीकेशन लाना पसंद नहीं करते दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर विच रिफ्लेक्ट्स डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज एंड देयर परफॉर्मेंस अफेक्ट ये देखिए जो वाई एक्सिस है उसमें टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस बताई गई है और एक्स uh, एक्सिस में सिंपली टाइम यानी कि वक्त जो है उसके मुख्तल ईयर्स uh, कह लीजिए वो बताए गए हैं तो ये एक uh, जो आप देख रहे हैं रेंज ये ये जो बैंड है ये परफॉर्मेंस बैंड है यानी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो शुरू में लेट्स से टेक्नोलॉजी नंबर वन है तो इसकी एक रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है एट लो एंड ऑफ द मार्केट इस टेक्नोलॉजी से मार्केट में क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी ठीक है तो यहाँ देखिए ये बिलो uh, एक्सपेक्टेशन काम है uh, फिर वक्त के साथ साथ ये इम्प्रूव हुआ और देन इट वाज एट देर वाज टाइम ये जब एबल थी कि इसने ओवर परफॉर्म किया अब टाइम जो ओवर परफॉर्म है ये अप्रीशियट uh, भी नहीं किया जाता अगर आपका लड़ से जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो रैम है आपकी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है तो अब ये जो उसके उससे आपकी फंक्शनिंग तो बेहतर हो जाएगी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जिसकी आपको शायद ज़रूरत नहीं है इसी तरह ये देखिए जो सेकंड टेक्नोलॉजी है वो आ रही है तो वो भी उसके काफ़ी टाइम जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है जितनी आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है तो यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट मोड़ है जिसपे आप देखते हैं कि ये मेरा सेगमेंट कौन सा होगा जो कि ये टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन अडॉप्ट करेगा क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसको पसंद नहीं करेंगे शुरू में बिकॉज ये उनकी एक्सपेक्टेशन से कम है तो ये एक बड़ा निगोशिएटिंग टाइम है जिसमें जो आप uh, की टेक्नोलॉजी है वो अंडर परफॉर्म कर रही है एट इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग लेवल और एंड दिस इज़ बेसिकली ए टाइम वेयर यू आर नगोशिएटिंग मीनिंग एंड डिस्कवरिंग कस्टमर्स आप बता रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस काम के लिए किस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है मे बी आप अपनी कैटेगरी शिफ्ट कर रहे हैं मे बी आप जो कस्टमर्स हैं उनको सर्च कर रहे हैं थ्रू इट्रेशन के उस टेक्नोलॉजी को बेस करके आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं फिर उसको मोडिफाई करते हैं फिर बेहतर एप्लीकेशन लाते हैं फिर नई प्रोडक्ट लाते हैं सो so दैट आप कस्टमर इसको अच्छी तरह समझ सकें और आप भी आइडेंटिफाई कर सकें वो कस्टमर सेगमेंट जो के इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है जो इसको एडॉप्ट करने के लिए तैयार है समटाइम्स ये भी होता है कि आप जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट ला रहे हैं आपको वो अपनी कैटेगरी चेंज करनी पड़ जाती है या जो पर्पज़ है प्रोडक्ट का वो पर्पज़ ही चेंज करना पड़ जाता है इन दिस इन दिस क्रिटिकल टाइम विच इज़ पॉइंट ऑफ नगोशिएटिंग मीनिंग एंड कवरिंग कस्टमर्स फिर आप देखिए कि इट टचिज द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस एट लो एंड ऑफ द मार्केट मे बी इन द न्यू कैटेगरी मे बी इन सम न्यू प्रोडक्ट एंड देन इट आल्सो कीप्स अप विद्वायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ अपर एंड ऑफ द मार्केट तो ये उसकी सक्सेस स्टोरी है जहाँ पे वो कामयाबी से काम करता है और अगर आप इसको मजीद बेहतर करते हैं या मजीद बेहतर परफॉर्म करते हैं तो ये शायद ओवर परफॉर्म भी कर लेता है और ओवर परफॉर्मेंस के मुलिक फिर आपको दोबारा फैसला करना पड़ता है कि क्या इसको प्रोडक्ट uh, कैटेगरी चेंज करनी है या इसको मज़ीद यूज़ेज में भी लाया जा सकता है विद ए न्यू सेगमेंट इन इन माइंड